अल्लाह रहमान रहीम। आज हम पढ़ाएंगे गोसिपियम। गोसिपियम जो है एक फीमेल रेमेडी है, मोस्टली फीमेल डिजीज़ में इस्तेमाल होता है। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है, क्लिनिकल यूजेस है, या इसकी जो मेन करेक्टरिस्टिक है, हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन एक बात खुल के सुन लीजिए कि गोसिपियम जो किताबों में लिखा हुआ है वो बहुत शार्टली लिखा हुआ है। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मेन पॉइंट जो इसके जहाँ जहाँ हमें मिलता है सिम्टोमेटिकली, हमने इकट्ठा करके आपको लेक्चर में डिलीवर कर लेंगे। लेकिन इसमें जो क्लासिफिकेशन है या जो मेनली यूज़ होता है ना, तो तकरीबन एक चीज़ से वो घूमता फिरता है, और वो है मेनली हमारे साथ यूट्रस। यूट्रस से वो घूमता फिरता मेडिसिन है। इसके मेन रोल जो है वो यूट्रस पे है, तो आगे जाके हम आपको एक्सप्लेन कर लेंगे। नाम है गोसिपियम हर्बेकम। गोसिपियम हर्बेकम हमारे साथ इसकी जो क्लिनिकल यूजेज है, या क्लिनिकली हम गोसिपियम को किस तरह यूज़ करते हैं, कौन कौन सी बीमारी है जहाँ हम गोसिपियम को इस्तेमाल करवाते हैं, तो आगे लिखते हैं। हमारे साथ क्लिनिकल यूजेस जो है गोसिपियम हर्बेकम की, मेडिसिन प्रॉपर नाम है गोसिपियम हर्बेकम। क्लिनिकल यूजेस में है हमारे साथ है अबॉर्शन, एमिनोरिया, डिसमिनोरिया, लेबिया मेजोरा, ओवेरियन एप्सिस, और साथ में है पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मॉर्निंग सिकनेस, स्टेरिलिटी, ट्यूमर, यूट्रस प्रोलैप्स्ड। ये जितने कंडीशंस है, मेडिकल कंडीशंस जो है फीमेल की, ये अगर आपके जहन में हो तो गोसिपियम ऑटोमेटिकली आपको जहन में याद होने चाहिए। हमारे साथ गोसिपियम की जो मेन रोल प्ले करता है ना, तो सबसे पहले ये इसको हम एबॉर्शन में इस्तेमाल करवाते हैं। एबॉर्शन आप लोग जानते हैं कि एबॉर्शन क्या है, ये याद रखिए कि जो लीगल एबॉर्शन है हम इसे लीगल एबॉर्शन करवा सकते हैं, इलीगल के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। और लीगल एबॉर्शन में सिर्फ हमारे साथ सिर्फ गोसिपियम काम नहीं करेगा, न सिर्फ एक मेडिसिन से हो सकता है। याद रखिए जो इलीगल एबॉर्शन होते हैं वो कुदरत है कि अक्सर इसमें जो जितने भी हम अगर मेडिसिन इस्तेमाल करवा लेते हैं ना, अगर खुदा न चाहे तो कौन करेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ हम हमारे साथ लीगल एबॉर्शन की ज़रूरत हो, लीगल एबॉर्शन, तो लीगल एबॉर्शन में हम इसको गोसिपियम के साथ कुछ और मेडिसिन है मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि बाद में आप लोगों को बाद में अफेयरली मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी मेडिसिन है। लेकिन ये बात और ये वादा करना पड़ेगा आप लोगों को कि कभी भी आप इसको इस्तेमाल ना करेंगे, अगर करना भी है बड़ी मजबूरी भी पड़ जाए, और साथ में आपको पता हो कि विल लीगल एबॉर्शन है, बच्चे की माँ को ख़तरा है और इसको एबॉर्ट करवाना है, तब हम इस्तेमाल कर लेंगे। तब मैं आपको लोगों को इजाज़त दूंगा कि कौन कौन से मेडिसिन है जो आप एबॉर्शन में इस्तेमाल करवा सकते हैं जिससे लीगल एबॉर्शन हो जाए। तो एबॉर्शन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं एमिनोरिया भी आप लोग मेरे ख्याल में जानते होंगे, मेंसेस डिले मेंसेस, ठीक है, डिसमिनोरिया, पेनफुल मेंसेस, जब मेंसेस हो और साथ में पुरदर्द हो, दर्द ज़्यादा हो, तो इसमें भी हम गोसिपियम एबॉर्कम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेबिया मेजोरा की जो कॉम्प्लिकेशन या इन्फ्लेमेशन हो या स्वेलिंग हो, तो इसमें भी हम गोसिपियम इस्तेमाल करवाते हैं। ओवेरियन एप्सिस, ओवेरियन जो ओवरीज है वहाँ अगर एप्सिस पड़ जाए, एप्सिस क्यों पड़ेगा, कास्ड बाय पीआईडी, मैंने आप लोगों को लिखा है कि पीआईडी, जब फीमेल को पीआईडी हो जाए, पीआईडी की वजह से ओवेरियन एप्सिस पड़ सकता है या ओवेरियन एप्सिस हो सकता है। तो ओवेरियन एप्सिस में क्या होगा, ओवरी के साथ एप्सिस होगा जिसे हम दाने कहते हैं, अकोमोलेशन ऑफ पस होगा, इसमें पस और इन्फ्लेमेशन होगा, तो इसके लिए हम गोसिपियम हर्बेकम इस्तेमाल करवाते हैं। साथ में पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस में पेशेंट को दर्द हो, फीमेल को दर्द महसूस हो, तो तब भी आप गोसिपियम इस्तेमाल करवा सकते हैं। मॉर्निंग सिकनेस हो, मॉर्निंग सिकनेस भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो अक्सर औरतों को मॉर्निंग सिकनेस हो जाता है, तो इस मॉर्निंग सिकनेस के लिए भी हम गोसिपियम इस्तेमाल करवाते हैं। साथ में है स्टेरिलिटी, बांझपन, जिसे हम बांझपन कह सकते हैं, अगर कोई औरत आ जाए और वो स्टेराइल हो या इसको स्टेरिलिटी हो और वो बांझ हो, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले वजाहत किया कि मिनोरिया हो या डिसमिनोरिया हो, तो तब हम गोसिपियम इस्तेमाल करवा सकते हैं। आगे डिटेल में थोड़े से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ट्यूमर या फाइब्रॉइड, अगर यूट्रस ट्यूमर हो या फाइब्रॉइड हो, तब भी हम गोसिपियम को बोलना नहीं चाहिए। गोसिपियम को याद रख लेने चाहिए कि ये हमारे साथ
रोल करता है या इस ट्यूमर या इस फाइब्रॉइड्स को ख़त्म करने में हमारे साथ मुआविन है या मददगार है या हमारे साथ एक टॉप मेडिसिन है जो जिससे हम ये जो ट्यूमर है या फाइब्रॉइड्स है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स इसको रिकवर करने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए हम गॉसिपियम इस्तेमाल करवाते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, यूट्रस प्रोलैप्स, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस जिसे कहते हैं कि इसके जो यूट्रस की जो प्रोलैप्स है वो नीचे की तरफ धकेलना, जब नीचे धकेलना शुरू हो जाता है या फीमेल को महसूस होता है कि मेरा यूट्रस नीचे धकेलता है तो तब भी हम इस कंडीशन में गॉसिपियम इस्तेमाल करते हैं। हो गया, ये क्लियर है? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि गॉसिपियम को कौन कौन से पर्पज़ में हम इस्तेमाल करवाते हैं। चलो आगे जाते हैं कि हमारे साथ करेक्टरिस्टिकली गॉसिपियम कहाँ कहाँ रोल क्लिक करता है। जी क्या वेरियन एब्सिस दा, इसके साथ ये कास्ड बाय पीआईडी, कास्ड बाय पीआईडी इसका मतलब है कि ओवेरियन एब्सिस कास्ड बाय पीआईडी, ये जो एब्सिस पड़ता है तो इसकी काज या इसकी वजह मोस्टली हमारे साथ पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पीआईडी का मतलब है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, तो पीआईडी की वजह से ये ओवेरियन एब्सिस पड़ सकता है। अब बारी है करेक्टरिस्टिक की, तो करेक्टरिस्टिक में हमारे साथ है गॉसिपियम हैज़ बीन टेकन इन द फॉर्म ऑफ द एक्सट्रैक्ट, हम गॉसिपियम को एक्सट्रैक्ट की फॉर्म हालत में इस्तेमाल करते हैं। टू प्रिक्योर एबॉर्शन, जिस तरह मैंने पहले वजाहत की है कि एबॉर्शन को रिकवर करने के लिए, ठीक है। द सिम्टम ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गन, एक्सटर्नल जो अंदरूनी आज़ा है, ठीक है, आर स्ट्रांगली मार्क एंड द ओवरीज आर द सीट ऑफ पेन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है इसमें जो ओवरी है इसमें जो पेन की अलामत हो तो हम करेक्टरिस्टिकली गॉसिपियम को इस्तेमाल करते हैं। विच कम एंड गो, जब आते हैं और जाते हैं, वही दर्द कभी शुरू हो जाते हैं कभी गायब हो जाते हैं ओवरीज में, तो उन दर्दों के लिए हमारे साथ गॉसिपियम दवाई होगी। यूट्रस प्रोलैप्स विद पेन, जिस तरह मैंने पहले वजाहत की कि यूट्रस प्रोलैप्स हो और साथ में दर्द हो, दर्द के साथ अगर यूट्रस प्रोलैप्स हो, जिस तरह हमारे साथ और भी मेडिसिन है, सीपीआई भी है, सबाइना भी है प्रोलैप्स के लिए, और काफ़ी मेडिसिन है, एलेट्रस भी है, तो उन मेडिसिन के साथ साथ, लेकिन क्या है कि यहाँ क्या होगा, यूट्रस प्रोलैप्स विद पेन, दर्द के साथ प्रोलैप्स होगा। इंटरमिटेंट पेन ऑफ ओरिस, बारी बारी की दर्दें, बारी बारी की दर्दी दर्दें शुरू हो जाती है कहाँ पे, ओवरीज में, फीमेल ओवरी में बारी बारी के दर्दें, अक्सर औरत कंप्लेंट करती है कि मुझे बारी बारी में ओवरीज में दर्द शुरू हो जाता है, कभी एक साइड के कभी दूसरे साइड पे, आगे हम जाके और एक्सप्लेन कर लेंगे। करेक्टरिस्टिक में हमारे साथ है मॉर्निंग सिकनेस एंड सेलिवेशन इंडिकेट गॉसिपियम, जब मॉर्निंग सिकनेस हो और साथ में सेलिवेशन, सेलिवेशन का मतलब है सलेवा डिस्चार्ज होना, जब सलेवा डिस्चार्ज होता है और मॉर्निंग सिकनेस हो तो तब हमारे साथ इंडिकेट होता है गॉसिपियम। पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक जगह से दूसरी जगह दर्दों को जाना, एंड जंपिंग पेन फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक दर्द जम करता है, यहाँ दर्द शुरू होता है तो यहाँ जम करके सडनली डायरेक्टली यह आ जाता है, एक ओवरी से दूसरी ओवरी तक भी जा सकता है। एक अहम पॉइंट और एक अहम बीमारी जिसको मोस्टली आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और वो है ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट ट्यूमर, तो ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए भी गॉसिपियम एक बेहतरीन दवा है, एक बेहतरीन दवा के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वो है ब्रेस्ट ट्यूमर विद स्विलिंग ऑफ एक्सिलरी ग्लैंड, ब्रेस्ट ट्यूमर विद स्विलिंग ऑफ एक्सिलरी ग्लैंड, ब्रेस्ट में ट्यूमर हो साथ में जो एक्सिलरी ग्लैंड है हमारा यह स्विलिंग पड़ जाता है, एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, किसी पेशेंट को हो तो पूरी तौर पर मेरे ख्याल में इसको एक अच्छी सी होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ रुजू करना चाहिए और इसको ट्रीट करवाना चाहिए।
موسٹلی ہمارے ساتھ کافی پیشنٹ آ چکے ہیں الحمد للہ, ہم نے اس کو ڈیل کیا ہے اور ریکور ہو چکے ہیں. تو بجائے یہ کہ پیشنٹ کو آگے جا کے پھر کمپلیکیشن اور بڑھ جائے یا سیویریٹی اختیار کر لے, تو پوری طور پر اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. جب شروع میں پیشنٹ آ جائے اور آپ اس کو ٹریٹ کر لیں گے تو کچھ دنوں یا ایک دو مہینے کے اندر اندر پیشنٹ ریکور ہو سکتا ہے. سپریسڈ مینسز, مینسز سپریسڈ ہو, اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ اکثر پیشنٹ کچھ میڈیسن استعمال کروا دیتے ہیں جس کو ہم کنٹراسیپٹیو کے طور پر اگر کوئی میڈیسن بعض اوقات پیشنٹ استعمال کرواتے ہیں تو اس سے مینسز سپریس ہو جاتے ہیں. یا بعض اوقات اس طرح ہوتے ہیں کہ ڈیورنگ مینسز اکثر بعض پیشنٹ کو کولڈ لگنے سے یا سردی لگنے سے مینسز سپریس ہو جاتے ہیں. یا بعض لوگوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ انسیڈنٹ یا کچھ واقعہ ہونے کے بعد مینسز سپریس ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کسی واقعے کے پیچھے اکثر پیشنٹ آ جاتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ میرا جب شوہر فوت ہو چکا ہے کہ اس حادثے کے بعد میرا جو مینسز ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اکثر لڑکی آ جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ خطرناک واقعہ ہونے کے بعد میرے مینسز سپریس ہو چکے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں. تو اس سپریشن کو ختم کرنے کے لیے بھی گوسپیم بہترین دوا ہے. ٹو واٹری مینسز جو ہے سپریس ہوگا, اور جب ہوگا تو ٹو واٹری ویٹ اینڈ ڈریگنگ اینڈ پیلوس, جو پیلوک ریجن ہے یہاں پر ویٹ ہوگا, وزن ہوگا اور ڈریگنگ ہوگا, نیچے جانے کی وہ ہوگا. تو اس میں ہم کیا ہے گوسپیم استعمال کرواتے ہیں. یوٹرائن فائبرائڈ, اس طرح پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ یوٹرائن فائبرائڈ میں بھی ہم گوسپیم استعمال کرواتے ہیں, اور ہمارے ساتھ یوٹرائن فائبرائڈ کے لیے ایک بہترین دوا کی شکل میں ہمارے ساتھ گوسپیم موجود ہے. کبھی بھی یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ گوسپیم ہمارے لیے ایک کارآمد دوا ہے, اور کلینیکل روٹین میں فیمیل جب اکثر فیمیل ڈیزیز میں ہمارے ساتھ گوسپیم ایک بہترین رول پلے کرتا ہے, اور ہم اس کو ڈیلی بیسس پہ اس کو استعمال کرواتے ہیں. آگے جا کے اس کے جو وہ حد آ جاتے ہیں جب اس کو ہم اگر کمپیئر کرواتے تھے تو ایز سیمیلر ہمارے ساتھ جو سیمیلر دوا ہے اس کے ساتھ, اس میں ہمارے ساتھ ایک میڈیسن ہے اس کو اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو سیمیسیفیوگا اور سبائنا کے ساتھ اس کو ہم کمپیئر کروا لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ایز کمپیئر سیمیسیفیوگا اور سبائنا جو ہے اس کی طرح اس کی بھی علامات ملتی جلتی ہے. تو جب آپ کے پیشنٹ گوسپیم میں کور نہیں ہوتا تو آپ جا کے اس کے بعد سبائنا اور سیمیسیفیوگا کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کے پیشنٹ کی مین علامات یا خاص علامات جو ہیں آپ کو ملے گا. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.